अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है सबका। आज का ब्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि मैं आया हुआ हूँ बज़ FM 97 के ऑफिस। यहाँ पे प्रोग्राम होगा 8 से 10 बजे का नाइट शो RJ अर्शी के साथ, तो चल के देखते हैं प्रोग्राम कैसा होता है। बज़ FM 97 के प्लेटफॉर्म से, और आज हमारे साथ मौजूद हमारे गेस्ट हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त, हमारे भाई जनाब आसिम गुज्जर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जनाब। और आसिम गुज्जर से आज हम बातचीत कर रहे हैं टूरिज़्म के हवाले से और ऐसी स्पॉट्स के हवाले से जो इस्लामाबाद के बहुत करीब तरीन हों और जहाँ पे हम फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ सुबह जाएं और शाम को वापस आ जाएं। बिल्कुल, तो उस हवाले से अभी आपने शाह अलता की बात की, आपने इसके अलावा मनाल की बात की, आपने इसके अलावा खानपुर डैम की आपने बात की, इसके अलावा और कौन कौन सी ऐसी स्पॉट्स के अलावा आप अगर पंचपीर गए आप, पंचपीर रॉक्स। आप बिल्कुल जी, पंचपीर रॉक जो है वो तो नथिया गली वाली साइड पे हो जाता है। नहीं, नथिया गली नहीं हो जाता, वो कहूटा वाली साइड, कहूटा है। ओ यस यस, पंचपीर। हाँ जी। और वहाँ पे नर्ड वाटरफॉल भी है, वो भी बड़ा डेप्थ करके नीचे, डेप्थ करके नीचे, वंडरफुल प्लेस। बिल्कुल, उसके सामने आपको एक साइड पे मरी नजर आएगा और एक साइड पे कोठली सतियाँ। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, पंचपीर का मैं एक, जब मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ, इट्स अ सिटी ऑफ रॉक। बिल्कुल, रॉक, बहुत बड़े रॉक्स और बहुत बड़े चट्टाने हैं वहाँ पे। बिल्कुल, और वहाँ इंसान बहुत कम, नीचे आबादी सारी। अच्छा, बिल्कुल, तो जो आखिरी गांव है वहाँ तक आबादी है, जहाँ तक यानी कि प्राइवेट कन्वेंस भी जाती है। अगर आप अपनी गाड़ी पे नहीं जाना चाहते तो वहाँ तक वैन भी जाती है, तो वहाँ पे आप रुकेंगे, उतरेंगे, वहाँ से आगे आप थोड़ा सा पैदल चलेंगे, ठीक है, तो उसके साथ फिर आप पैदल करके थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, तो वहाँ से आगे बस आगे व्यू पॉइंट है उसका। राइट साइड पे अगर आप चले जाएंगे तो वहाँ पे अभी काफ़ी अच्छे एक दो होटल बन रहे हैं, पर वो भी पूरे नहीं बने, तो पर वहाँ पे आप यानी कि बारबेक्यू वगैरह, खाना पीना, कैंपिंग, बाज लोग वहाँ पे कैंपिंग भी करते हैं। वहाँ पे मौसम बहुत जल्दी चेंज होता है, बहुत ही जल्दी, क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा है, बारिश होगी कभी कभी, बादल आ जाएंगे, यानी कि अमेजिंग होता है, आप हैरान कन मौसम होता है। मैं और आई स्टिल रिमेंबर के जब मैं वहाँ पे गया था एक ट्रिप के साथ, बल्कि ट्रिप ले गई है, तो आपको मालूम है कि हम ये दोनों काम तो करते रहते हैं। इट वाज अ वंडरफुल प्लेस ना, वो इसलिए कि एक तो सब्जा वहाँ पे बहुत अच्छा है, खामोशी है, सुकून है, सुकून बहुत ज्यादा वहाँ पे, लोग बहुत अच्छे वहाँ पे, अच्छे है, उसके अलावा कम है, रश नहीं होता, रशी एरिया नहीं है। और दूसरी बात ये कि वहाँ पे वो जो पंच पीर है, देयर इज अ स्पॉट ऑफ अ फ्रेंड्स, आई थिंक 5 से 2 होते हैं, पीर ही होते हैं। बिल्कुल, दरबार है वहाँ पे, ऊपर टॉप पे, और वहाँ पे कब्रें नहीं है, है। अच्छा, है कब्र, बिल्कुल ऊपर जाके, बिल्कुल। अच्छा, कोई एक आध होगी, एक ही है, एक ही कब्र होगी, यस डेफिनेटली। और उसके बाद जो है वहाँ पे बड़े बड़े रॉक्स हैं, बिल्कुल बड़े बड़े रॉक्स, अक्सर एक जिस तरह आपने स्कर्दू की वो तस्वीर देखी होगी, वो जिसके ऊपर वो साइड पे पत्थर है, बिल्कुल एग्जैक्टली, हाँ, तो उसी तरह का एक यहाँ भी है, ऐसे ही है। तो और मैं अपने सुनने वालों को ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने फोटो वॉक करवानी है या अगर आपने फोटो सेशन करवाना है, न्यूली मैरिड कपल है, वो बेस्ट प्लेस है, कि अगर आपने गाना, मैं कहता हूँ कि इन चीजों को हमें प्रमोट करना चाहिए, हकीकत है। सिनेमाटोग्राफी, कोई नया सॉन्ग बनाना है तो आई मस्ट से कि नड़ में जाएं, नड़ में जाएं, और उसके बाद जो है आप क्या कहते हैं, पंचपीर जाएं, पंचपीर रॉक्स, और इतनी खूबसूरत वहाँ पे लोकेशन है, आप, मैं कहता हूँ कि मजा आ जाता है, हकीकत है, आपका एक दिन तो यानी कि इंतहाई जबरदस्त होता है, जबरदस्त होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। इसके अलावा आसिम और कौन सी जगह है जो करीब तरीन है, करीब तरीन, इसके अलावा फिर आप अगर आप ये चकशजात से आगे जाएंगे, त्रामड़ी से लेफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, कोटली सतियां, कोटली सतियां, नेलोर फैक्ट्री से होते हैं, कोटली सतियां बजाते खुद बड़ा मजे की, हाँ, अट्रैक्टिव है, बिल्कुल, बड़े बड़े दरख्त, खूबसूरत, घने, तो उसके अलावा वहां से आप जहां पे वो चरात है, चरा से, बिल्कुल चरागाह से आप करोड़ जंगल हो जाएंगे, लेफ्ट हो जाएंगे, वो ही रास्ता पीछे सिमली, इस डैम को भी मिलता है, सिमली डैम है, बिल्कुल, यहाँ पे इनका फार्म हाउस है, ठीक है, अंदर से, और बैग भी लगती है डैम की, अगर आपकी वहाँ कोई अच्छी जान पहचान है तो वो बहुत अच्छा दिन गुजारने के लिए। वो थोड़ा सा, बिल्कुल, वो भी उसी जगह पे है, वो थोड़ा साइड हो जाती है। अच्छा, तो यहाँ पे एक और भी वाटरफॉल पिछली गर्मियों में बड़ी फेमस हुई थी,
उसका भी मुझे नाम नहीं याद आया, वो भी वहीं पे है, अच्छा उसी एरिया में है। वो भी इसी एरिया में। सो इसका मैं नीला सांप को तो खैर कह सकता हूँ कि वहाँ पे वो दैट इज काइंड ऑफ अ सेफ छोटा सा एक वो है, छोटी सी जगह है बिल्कुल, पर वो यानी कि वो पूरा दिन गुजारने वाली नहीं है। नहीं, पूरा दिन नहीं, आप वो गर्मियों के लिए है सिर्फ, वो भी नहाने के लिए बिल्कुल, वो भी 2-3 बजे आप जाएं और 4 बजे तक आ जाएं, वापस आ जाएं। सो जनाब ये तो हो गया कोटली सत्या, कोटली आगे अगर हम जाएं कोटली सत्या में तो वहाँ पे कौन सी ऐसी कोई स्पॉट? कोटली सत्या में उसके वहाँ से रास्ते पंचपीर के लिए भी है, वहाँ से इस साइड से भी रास्ता है। ओके, तो वो बिल्कुल पंचपीर के पास जाके निकलेगा वहाँ से, बस फिर आपने ऊपर पहाड़ पे हो जाना है। अच्छा, और ये शॉर्ट पड़ेगा आपको, ठीक है ठीक हो गया। वहीं से आप मरी भी आ सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी एक छोटा सा गाना है, वो भी हम बैकग्राउंड में तो चल रहा था लेकिन अब सही तरह इसको सुनाते हैं अपने लिसनर्स को। अगर लिसनर्स हो जाए, अगर आप हमें फ़ोन करना चाहें तो फ़ोन कर सकते हैं 051-944-9797। आज हम टूरिज़्म के बारे से बात कर रहे हैं, सजादारी की खूबसूरत आवाज़, चाय की गरम गरम चुस्के के साथ। कीप लिसनिंग म्यूजिक विद योर चैट आर जर्शी। ये वहाँ पे कश्ती रानी होनी चाहिए, वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के, ये नेशनल लेवल के कम अज़ कम मुकाबले ज़रूर होने चाहिए वहाँ पे। और वहाँ पे जो अगर आप देखें पुराना जो मार्गल जो रावल डैम है, पुराना रावल डैम जो है वो बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, उन्होंने बंद कर दिया, बिल्कुल डंप किया हुआ है बिल्कुल। हालांकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो जनरेट की जा सकती है, वहाँ पे वहाँ से बहुत अर्निंग हो सकती है, फाइनेंस जो है वो बहुत ज्यादा जनरेट किया जा सकता है, अच्छे होटल बन सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। ऐसा क्यों, मतलब आंखें क्यों, आइडिया ही नहीं है लोगों के पास? आइडियाज तो है लेकिन आइडियाज है पर नहीं ना करते, काम नहीं करते, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चक्कर जरूर है। बिल्कुल, चक्कर तो बेसाब है यहाँ पे, पाकिस्तान है ना। और इतनी खूबसूरत और क्या जिंदगी हुआ करती थी किसी, बिल्कुल वहाँ पे बोटिंग जो है वहाँ के बहुत अच्छे पॉइंट बन सकते हैं, फिशिंग स्पॉट बनाए जा सकते हैं, फिटिंग्स यानी कि वहाँ पे उनका ऑफिस भी था फिशिंग वालों का, पहले वहाँ से लाइसेंस मिलता था बिल्कुल, तो फिर आप आगे जाके वो करते थे। आई हर्ड कि अब तो इसको शायद ठेके पे दे दिया, और वहाँ पे अगर कोई कुंडी लगा के बैठ जाए उसके ऊपर तो 1000 रुपए का जुर्माना है, फाइन भी होता है, फाइन भी होता है। ऐसा ही मेरे ख्याल से हमें इन छोटी छोटी जो है परचून के काम नहीं करने चाहिए, हमें बड़े लेवल के ऊपर काम करना चाहिए। हकीकत है टूरिज्म के हवाले से जो काम कर रहे हैं मेरे ख्याल में उसको इस चीज़ के ऊपर बहुत ज्यादा सोचना चाहिए कि इसको रीइंस्टेट किया जाए, पुराना जो रावल डैम है उसको रीइंस्टेट किया जाए, उसको रीडिज़ाइन किया जाए। हमारे पास बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे, और क्या कुछ नहीं किया जा सकता वहाँ पे, अभी सिर्फ बोटिंग हो रही है, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, बोटिंग अगर हो रही है तो मेरे वो भी लेक पे हो रही है, लेक पे हो रही है, लेकिन वो सिर्फ पैसे कमाने की हद तक है बिल्कुल, वो यानी कि आम पब्लिक को डीलिंग के लिए नहीं है कि उनको कोई सहूलत दी जाए, वो नहीं है, नहीं है, बस पैसे पूरे किए जा रहे हैं, बस पैसे, यानी कि वो जो ठेकेदार है वो या लोकल लोग जो हैं वो पैसे कमा रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये लेक वो है कि जो हर अतराफ से जहाँ से पैसे कमाए जा सकते हैं, बिल्कुल कमाए जा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो लोकल लोग हैं, जो सराउंडिंग में लोग हैं, उनको इतना ऑक्यूपाइड किया जाए, उनको इंगेज किया जाए, बिल्कुल, और उनको भी हम उनको रोजगार मिलता है, रोजगार मिल सकता है वहाँ पे, अच्छे लेवल के गेस्ट हाउस बनाए जा सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। और मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा हम अर्निंग कर सकते हैं फाइनेंशियली तौर पे, सीडी अगर इसके बारे में सोचे तो मेरे ख्याल में बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन आज तक मेरे ख्याल में किसी ने आवाज़ उठाई नहीं है। ऐसे ना हो, पहले कामरान लाशारी साहब का दौर था, exactly, अगर आपने देखो, बिल्कुल इस्लामाबाद में बहुत, हाँ जी इस्लामाबाद में बहुत अच्छे अच्छे पार्क बने थे, पर उसके बाद उनकी मेंटेनेंस ही कोई नहीं हुई। ऐसे ही आप दामने को अगर जाते हैं, रावल लेक की हम बात कर रहे हैं, रावल लेक, एग्जैक्टली आसिम हमारे साथ मौजूद हैं, और आसिम ये वक्त होता है हमारे कमर्शियल ब्रेक का, गो के इसमें इस वक्त 3-4 मिनट पूरा हो चुके हैं। बहरहाल जनाब स्टे ट्यून्ड टू बज़ एफएम 97, इट्स टाइम फॉर द कमर्शियल ब्रेक्स। पाकिस्तान की बात होनी चाहिए जनाब, इसको आबाद होना चाहिए। और चलें जी अब रावल डैम से निकलते हैं, अगर नए रावल डैम को भी देखा जाए तो वो भी उसमें तो खैर काफ़ी चीज़ें, उस पर काफ़ी मेहनत की गई है, बात तो ठीक है ये, पर दोबारा मेंटेनेंस नहीं है उस लेवल की। मेंटेनेंस तो मांगती है, मेंटेन तो उसको रखना, बिल्कुल कोई भी चीज़ है वो मेंटेनेंस मांगती है, यानी कि उसके ऊपर अरबों खरबों रुपया लगा होगा। वो इंतहाई खूबसूरत पार्क है मेरे हिसाब से, वहाँ पे आप प्रॉपर रनिंग के लिए शाम को जा सकते हो क्योंकि उसके व्यू इतने अच्छे हैं। अगर आप पानी के साथ साथ वो जो ट्रैक है उसके आप गए हैं पूरा घूमें, लेफ्ट साइड पे जाएं तो बहुत बड़ा है, रनिंग हो सकती है, वॉक हो सकती है, ऐसे ही। तो उसके साथ पहले पार्किंग में एक होटल भी था काफी अच्छा, अच्छा अब वो बंद हो चुका है ही नहीं मेरा ख्याल है, और एक राइट साइड पे भी खुला था, वो खुला ही नहीं है, यानी कि वो बना था, जगह अभी भी बनी हुई है अगर आप लोग गए हो तो, पर वो बंद है, उसके शीशे भी शायद टूट चुके हैं सब कुछ। अच्छा। वहाँ पे वो फिशिंग वाले जो कुंडी डाल के बैठे होते हैं उन्होंने चीजें रखी होती हैं,
फिर सिर्फ वहाँ पे अगर आप स्टार्टिंग से एंटर हो तो वो F1 ट्रैक्स वगैरह बने हुए हैं, बिल्कुल सिर्फ वो है प्रॉपर, जरा वो भी प्राइवेट है, किसी का ही नहीं कि वो सरकार के खाते में नहीं है, तो इसलिए वो बहुत अच्छे चल रहे हैं। अदरवाइज जो वहाँ पे वो पार्क भी है, बच्चों का झूले बहुत अच्छे लगे हुए थे वो, जब वो स्टार्ट में बना था, एग्जैक्टली वो सब झूले जो है वो टूट फूट का शिकार है, तो दोबारा मेंटेनेंस नहीं है। और अंदर वहाँ पे वो जो उल्टक शॉप्स बनी हुई है वो इंतहाई बेसाब है, यानी कि वो आपको सीधा गुजरने ही नहीं देते, वो एकदम कोई पकड़ के बैठ जाएगा। और मतलब जो चीजें वहाँ पे बेची जाती है, मेरे ख्याल में अगर इंटरनेशनल टूरिस्ट आएगा तो उसकी जरूरत की चीजें है ही नहीं, मतलब की नहीं है उनके, ऐसे ही है। तो ऐसे लगता है जैसे देही इलाके में वो मेले ठेले लगते हैं, वही चीज है, वही चीज है। आई थिंक यहाँ पे थोड़े से चीजों के ऊपर ना कोई SOPs होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, इसको फॉलो करने के लिए कुछ टकशप जरूर खुलनी चाहिए, कोई जरूरत इंसान की, लेकिन बिल्कुल होती है, मेयार होना चाहिए वहाँ, बिल्कुल होना चाहिए। और हमें वहाँ पे अपना कल्चर भी दिखाना चाहिए, हर जगह पे दिखाना चाहिए। एग्जैक्टली और 12,000 आसिम आर्ट मौजूद है। आप निकलते हैं जनाब रावल डैम से निकलते हैं, सही है, और आप निकलते हैं जनाब थोड़ा रावल डैम से आगे जाके हम लेफ्ट हो जाएंगे शादरा की तरफ, शादरा की तरफ चलते हैं। अच्छा शादरा भी क्या आपको समझ आती है कि उसको भी हमने थोड़ा सा इग्नोर किया हुआ है, या जिस तरीके से होना चाहिए उसको मेंटेन नहीं है, मेंटेन नहीं है, वाकई नहीं है, ऐसे ही है, ऐसे ही है, कैसे होना चाहिए उसको? वो इंतहाई खूबसूरत हो सकता है, ठीक है, उसकी वो जो पानी का यानी कि रास्ता बना हुआ है, जिसका वो असल में वो नाला कह लें हम जो भी, अच्छा। तो वो प्रॉपर साइडों से साफ हो सकता है, ओके, ठीक है, उसके अंदर जो सिटिंग है वो और अच्छी हो सकती है। अभी तो वो सिंपल ऐसे ही चारपाइयां या कुर्सियां रखी होती हैं, एक दो चाय पकौड़े वाले हैं, प्रॉपर ना वहाँ पे पार्किंग है गाड़ियों की, यानी कि अब रश के दिनों में जाएं या वीकेंड पे जाएं तो फंस जाते हैं, ऐसे ही पार्किंग ही नहीं मिलती, जो आ रहे हैं जा रहे हैं सब मिक्स हो जाते हैं, रास्ता ही खत्म हो जाता है। तो गर्मियों में भी यही इशू होता है, वहाँ पे प्रॉपर एक तो पार्किंग होनी चाहिए, ठीक हो, ठीक है। उसके अलावा फिर जब आप इंटर हो जाते हैं आपके साथ ऐसा ही नहीं कि वहाँ पे चीज़ें होनी चाहिए कि आप अगर फैमिली के साथ गए हैं तो आप सुकून से पूरा दिन गुजारे, नहीं पूरा दिन आप नहीं भी गुजारे तो 2-3 जो घंटे हैं वो तो आपके सुकून वाले होना, ऐसे ही है। तो वहीं मतलब पे जानवर बीच में फिर रहे हैं, बीच में लोग फिर रहे हैं, ऐसे ही है, सब मिक्स है। वहाँ पे कुछ SOPs नहीं है, कुछ डिजाइन नहीं किया गया, कुछ भी नहीं है, और कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं है कि अगर चले आपने शॉप्स बनानी है उसको थोड़ा सा डिजाइनिंग उसकी, बिल्कुल कोई कलरफुल से डिफरेंट, बिल्कुल कोई आए तो वो अट्रैक्शन हो, एग्जैक्टली। और वहाँ पे एक ऐसा जैसे कि मुख्तलिफ जगहों पे, खास तौर पे मैं जब रावल डैम की बात करूंगा, नया रावल डैम जब बना था तो वहाँ पे बकायदा एक जगह बनाई गई थी जहाँ पे आप जाके बारबेक्यू कर सकते हैं, बिल्कुल, यानी कि रावल एक राइट साइड पे, अगर आप एंटर होते तो राइट साइड पे। आई डोंट नो कि अब वो है जगह कि नहीं है, वो है पर वो भी टूट चुकी है, वो जो उन्होंने गेठियां लगाई थी तो वो कोई अभी, यानी कि वो जितनी बनी थी उनमें से कोई एक दो में भी हो, अच्छा, जो पूरी होगी हालत में, अदरवाइज उनके फ्रंट से जो चीजें थी वो सब टूट चुकी हैं। अच्छा, तो यही चीज जो है ना हर जगह पे होना चाहिए, हर जगह पे होना चाहिए, जगह होनी चाहिए, लोग आए वहाँ पे बारबेक्यू करें और इंजॉय करें और निकल जाएं। मार्गला हिल्स पे भी यही चक्कर है, इन्होंने वो साइडो पे रोड के बाउंड्री के लिए वो पौधे लगाए थे, ठीक है, लोग आते हैं जिस तरह वीकेंड पे कर लें, ईद पे कह लें, तो वो उनके अंदर से पौधे निकाल के वो जो क्यारी बनी होती है उसके अंदर वो अंगीठी बना लेते हैं उसको, अच्छा, तो उसके अंदर टेक्निकल को में तो जुगाड़ करते हैं, वहां पे बारबेक्यू करते हैं, वो पौधा भी जाया हो गया, हाँ, ऐसे तो वो फिर वो यहीं पे वो यानी कि दोबारा तो नहीं ना हो सकता, वो कोयले वगैरह हर चीज वहीं पे छोड़ के वो गंद मान, यानी कि कोई की जो पहाड़ी है, पहाड़ जो है दामनेको से जब हम शुरू, दामनेको ये तो एक पूरा मरगला पार्क है ना, इसको हम पूरा नेशनल पार्क, नेशनल पार्क है, ठीक है, इसमें बहुत से स्पॉट्स हैं जहाँ पे हम बैठ सकते हैं, बिल्कुल, और सर्दियों में खासतौर पे बहुत, सर्दियों के भी बहुत अच्छे व्यू हैं इसके, उसके अलावा जो गर्मियों के भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है सर, यानी कि आप दामनेको से थोड़ा सा ही ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे ये सारे गर्मियों के हिसाब से, एग्जैक्टली, थोड़ा सा आप आगे चले जाएंगे जहाँ से मोनाल से थोड़ा सा राइट साइड पे, पहले ही राइट साइड पे अंदर को ट्रैक जा रहा है, अच्छा। वो सैदपुर विलेज व्यू पॉइंट है, ठीक है, ठीक है, वहां से भी दामनेको से पहले करके, नहीं नहीं मोनाल से पहले, मोनाल से पहले करके, हाँ, बिल्कुल अंदर की तरफ जाता है, राइट साइड पे अंदर जाता है, हमने दोस्तों ने रखा चुड़ैल पॉइंट, बिल्कुल, कई डिफरेंट रखे हुए ना, हाँ, तो वो बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, इस्लामाबाद उसका सनराइज और उसका सनसेट लाजवाब है, अमेजिंग लगता है, एग्जैक्टली, और खास तौर पे पूरा इस्लामाबाद, बिल्कुल ऐसा लगता है इस्लामाबाद का पोर्ट, खास तौर पे जो सैदपुर विलेज है वो आपके नीचे होता है, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल आपके बिल्कुल कदमों के नीचे वो होता है, बड़ा और मगरिब के बाद जब वहाँ पे वो लाइट जलती है नीचे से, तो ऐसे ही है, इन चीजों को आबाद करना चाहिए, हकीकत है, लेकिन लोग नहीं जाते वहाँ पे, इसकी क्या वजह है?
उस जगह पे तो जाते हैं, यानी कि पर वो पॉइंट है सर्दियों के लिए लोग ज्यादा यूज करते हैं। अच्छा, दिन में आएंगे वो माल्टे लाएंगे या बारबेक्यू करेंगे वहाँ पे, तो वो अपना गन मन वहीं पे छोड़ के चले जाएंगे। हमारा यहाँ भी ये भी मसला है ना, जब वो पॉइंट भी बना था वो इंतहाई खूबसूरत था, प्रॉपर सारा रास्ता था, सीढ़ियाँ बनी हुई थी, वहाँ पे बैठने की जगह थी, वहाँ पे अब कोई भी बैठने की जगह नहीं है, सब तोड़ा हुआ है, जो सीढ़ियाँ थी उनके पत्थर भी गायब हैं। तो जो भी कोई आता है वो वहीं पे चीजें अपनी फेंक के चलता, वो साथ भी नहीं जाना पसंद करता है। अच्छा भी ये बड़ी वैसे गलत है कि जहाँ भी इंसान जाए उस जगह को साफ सुथरा करे। और बहुत से लोगों में वैसे शोर है इस्लामाबाद के, चंद एक लोगों में, चंद एक लोगों में नहीं है लेकिन बहुत से लोगों को मैंने देखा कि उनके अंदर ये शोर है कि वो जो भी गार्बेज होता है उसको समेट लेते हैं और बिल्कुल किसी महफूज जगह पे जाके उसको, प्रॉपर जगह पे जाके उसको डंप करते हैं। मौसीकी से कितना आपको शगफ है, कितना आप पसंद करते हैं मौसीकी को, कौन सा गाना आप सुनना पसंद करेंगे? मौसीकी से है इतना कि दौरान सफ़र, अच्छा दौरान सफ़र गाड़ी में, कार गाड़ी में बिल्कुल, अदरवाइज बहुत कम। अच्छा तो फिर वो गाड़ी में सुनते भी वो हैं, स्पेशल खुद से नहीं लगाते, अच्छा, जो भी एफएम पे चल रहा होता है, माँ हाजिर जो भी होते हैं, माँ हाजिर जो भी, वो एफएम भी अब काफ़ी हो गए ना, काफ़ी हो गए, पहले तो एक ही, तो एफएम पे भी जो अच्छे से अच्छा मिलता जा रहा होता है वो चेंज करते जाते हैं। अच्छा चलें, आपसे मैंने आप दिया तो खैर पूछ ही लिया था कौन से गाने आपको पसंद हैं। आपने अब बिलाल सईद का कहा था, बिल्कुल, कौन सा गाना बिलाल सईद का? बिलाल सईद साहब ने वो चाय फेंकी थी हाथों पे, अच्छा होनी वैसे ठंडी है, होनी ठंडी था ही सट्टी से। चले जी, एक खूबसूरत सा ट्रैक और आसिम की फरमाइश पर बिलाल सईद की। अच्छा ये एक साइड भी आ रहा है, वॉल्यूम आते हैं थोड़ा सा नीलम आज़ाद कश्मीर वाली साइड पे, तो ऐसे कौन कौन से स्पॉट्स हैं जो आप रिकमेंड करेंगे कि भाई जान यहाँ पे तो आप लाजमी जाएं? जैसे मेरी एक बड़ी विशुअल डिज़ायर है कि मैं रत्ती गली ज़रूर करूँ, और रत्ती गली या ताउबट मेरी बड़ी विशुअल डिज़ायर है इंशाल्लाह, इस अगर ज़िंदगी रही तो अगली गर्मियों में ज़रूर जाने का इरादा है मेरा, हाँ इंशाल्लाह है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। नीलम वाली जो साइड है वो भी इंतहाई खूबसूरत है, ठीक है, इसमें आप मुजफ्फराबाद क्रॉस करेंगे, मुजफ्फराबाद का जो है मौसम गर्म है, अच्छा ठीक है, ऐसे ही है, ठीक है, मुजफ्फराबाद से आप जब शहर से निकलेंगे आप नीलम की तरफ इंटर हो जाएंगे, तो रास्ते में वही दरिया साथ साथ आपके चलता जाएगा, दरिया कुनहार, दरिया नीलम, नीलम बिल्कुल, तो वो चेंज मौसम करता जाएगा, हवा हर चीज, दरख्त लंबे, फिर रास्ते में वाटरफॉल एक आती है, पहले वो काफी बड़ी थी, अब यानी कि वो भी उसका पानी कम हो गया है, क्या चक्कर है वो भी अब छोटी हो गई है, तो उसके बाद फिर आप नीलम में मेन कैरन है, यानी कि पहली आप जो जगह पहुंचेंगे जहाँ पे जो रेस्ट हाउस ज्यादा अच्छे हैं जरा, तो वो कैरन है, कैरन से ही आप आगे यानी कि किलोमीटर या 2 किलोमीटर आगे जाते हैं दवाड़ियाँ आ जाता है, ठीक है, वहां से एक रत्ती गली चला जाता है, अच्छा ऊपर पहले जीप ट्रैक है, फिर जीप ट्रैक, फिलहाल अभी भी रत्ती गली पे भी स्नो है, अच्छा अभी भी स्नो, हाँ जी वो दो, ये जो भी लास्ट टाइम हुई है स्नो उसमें वो हो चुकी है, अच्छा, अब रत्ती गली और वो जो उसका ट्रैक है वो कल वो एक लड़का गया है उसने वो 15-20 मिनट का जो ट्रैक है वो 2.5 घंटे में किया है बेस कैंप से, ओके, नीचे से नहीं बेस कैंप से वो वाला पीस, अच्छा, तो वो फुल स्नो कवर है, उसके बकोल अगर आना है किसी ने अभी ये वाले वीकेंड पे स्नोफॉल है तो उसके बाद आए, फिर स्नोफॉल होने के बाद वो जरा ठीक हो जाएगी, फिर हो आप दोबारा से उसके ऊपर ट्रैक कर सकते हैं, पर आपके जो औजार हैं वो प्रॉपर सर्दियों वाले होने चाहिए। अच्छा एक रास्ता वहाँ से रत्ती गली की तरफ जाता बिल्कुल है। एक फिर पतलियां लेक है, पुल क्रॉस करेंगे वहीं से पल्ली साइड पे भी वो पतलियां लेक है, ठीक है, तो वो भी जीप ट्रैक है, जीप ट्रैक से आगे जाएंगे तो फिर ऊपर वो लेक है, तो वहाँ से फिर आगे आप चले जाएंगे केल और अंकेल, केल से, की क्या बात है, वंडरफुल, मैंने इसकी ब्यूटी के बारे में बहुत ज्यादा सुना है, इंतहाई खूबसूरत है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है, आपने शारदा को मिस कर दिया, शारदा एग्जैक्टली, तो वो पहले है उससे थोड़ा सा, अच्छा बिल्कुल ठीक, वहां से आगे फिर केल और अंकेल, फिर आगे ताउबट है, अच्छा ताउबट से ही अगर आप बाहिम्मत है बहुत जंगजू किस्म के तो आप स्कर्दू को टच करते हैं, दियोसाई वगैरह ये इस साइड से भी टच होता है, अच्छा ये यानी कि पैदल ट्रैक, पैदल ट्रैक भी ऑफ रोड यानी कि ओके,
लेकिन वहाँ पे मैंने सुना कि वो मिल जाते हैं खच्चर वगैरह, वो तो बिल्कुल वो चीज़ें मिल जाती हैं, लोकल लोग मिल जाते हैं। अच्छा, पिछले दिन एक हादसा भी हुआ था किसी एक टूरिस्ट का, जो जिसकी डेथ हो गई थी और वो उसकी कुछ क्या रीजनिंग वगैरह थी आई डोंट नो, लेकिन ये था कि वहाँ पे जाने के लिए आपको सबसे पहले अपनी हेल्थ के हवाले से भी बहुत ज़्यादा कंसर्न होना चाहिए, और वो कौन कौन सी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, क्या इन जगहों पे हर शख्स आ सकता है या हर शख्स को इस तरह एडवेंचर के लिए नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। अच्छा, हर शख्स को नहीं आना चाहिए। आप प्रॉपर अगर आपको आदत है, आप वॉक करते हैं, हाइक करते हैं, या यूं घर से बाहर यानी कि आपको रहने की आदत है और यानी कि नॉर्मल फूड पे भी आप गुजारा कर सकते हैं। बाज लोग साथ जाते हैं, अक्सर हमारे साथ भी जाते हैं, तो वो उधर जाके भी वही अच्छा खाना मांग रहे होते हैं जो घर खाया होता है। ठीक है, हर जगह का डिफरेंट होता है। राइट, बाज जगहों पे बहुत अच्छा मिल जाएगा, बाज जगह मिलता ही नहीं है। नहीं मिलता। ठीक है, हम यहाँ से यानी कि स्टोर से दिवसाई के लिए निकले, ठीक है, वो अच्छा खासा सफ़र है, तो बड़ा पानी के पास नाइट कैंप, हमारा नाइट स्टे वहाँ पे कैंपिंग लगी हुई थी। ठीक है, तो बड़ी मुश्किल से कहीं जाके जी उसने बंदे ने, उधर ठंड बहुत आती होती है, आग भी नहीं जलती। अच्छा। तो उसने इतना कुछ यानी कि मेहनत कर करके दाल चावल कहीं बना के हमारे लिए रखे, तो दाल चावल, अब कोई वो लोग साथ दाल चावल खाना ना पसंद करें। अच्छा, के जी मैं तो खाता ही नहीं हूँ ये, और मैं तो सुबह से भूखा हूँ, मैं इसके ऊपर गुजारा करूँ। चले जी, बातों का सिलसिला हम जारी उजारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त जनाब एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, सो जनाब आसिम गुजर हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, बहुत अच्छे वी लॉगर टूरिस्ट, आपसे गुफ्तगू करते हुए बहुत मज़ा आया, क्योंकि ये मेरी भी फील्ड है, आई मीन कि मेरी भी इसमें इंटरेस्ट है इस फील्ड में, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, और ऐसे स्पॉट जहाँ पर मैं नहीं जा सका, बट आई मस्ट से कि हम दोबारा किसी न किसी स्पॉट पर ज़रूर जाएँ। ज़रूर, नेक्स्ट टाइम आपका क्या इरादा है, कहाँ जाने का इरादा है जहाँ पर आप वी लॉग बनाने की कोशिश करेंगे? नीलम। नीलम इन्हीं दिनों में? इन्हीं दिनों में। बाइक पे या आई मीन के बाइक पे भी ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज गाड़ी तो फिर है ही है। चलो ठीक है जनाब, विश यू ऑल द बेस्ट, और आखिर में कुछ कहना चाहेंगे हमारे सुनने वालों को? बस सब सपोर्ट किया करें, जो भी कोई काम कर रहा होता है, लोग समझ रहे होते हैं ये सिर्फ पैसे कमा रहे हैं, तो ये जो कहीं भी आ रहे जा रहे हैं इनको बहुत पैसे आ रहे हैं। अच्छा। तो वो चक्कर कुछ और होता है। अच्छा, चक्कर कुछ और होता है। उस चक्कर में वो आपको लाइक नहीं देते, सब्सक्राइब नहीं देते, कि हमारी वजह से, शायद हमारे एक लाइक की वजह से ही पता नहीं कितने पैसे कमा लेंगे। जेलसी बहुत है। जेलसी, दिल खुला रखना चाहिए। दिल खुला, कोई भी बंदा काम कर रहा है अपना एफर्ट कर रहा है, बिल्कुल। अब तो जमाना ही मेरे ख्याल दो ही लाइक करने का है। ऐसा ही है, ऐसे ही और लाइक करने का जमाना तो खैर कभी खत्म नहीं होता, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर तो बहुत ज्यादा ये जरूरत है जनाब, लाइक जो अच्छा काम करे उसको जरूर लाइक करें, जरूर करें, यानी कि सब सपोर्ट करें, तो हम अच्छा कर रहे हैं, अल्लाह और हिम्मत दे। और आखिर में एक दफ़ा फिर अपने YouTube चैनल के बारे में बता दीजिए। YouTube चैनल है मेरा आसिम गुजर ट्रैवलर के नाम से। आसिम गुजर, और Facebook पे कोई पेज? Facebook पे भी पेज इसी नाम से आसिम गुजर ट्रैवलर, Facebook आईडी भी है आसिम गुजर, और इंस्टा पे भी यही है। किसी को भी कोई मालूम मतलब ट्रैवलिंग रिलेटेड चाहिए हो कोई जगह के बारे में, ठीक है, तो वो रब्ता करे, मैं आपको बता सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ कि वो कितने पैसों में कितना ट्रिप कर सकते हैं। ओके, तो आपने इसको एज ए प्रोफेशन क्यों नहीं लिया अभी तक, मतलब कई लोग कहते हैं पर बस। अच्छा, जब फिर जिस साइड पे आ गए हैं वो ठीक है अभी फिलहाल। अच्छा, ठीक हो गया। चलिए, थैंक यू वेरी मच आसिम गुजर फॉर योर प्रीशियस टाइम, बहुत अच्छा लगा आपके साथ और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, और आई होप सो लिसनर्स के आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा, और इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते दोबारा आपसे मुलाकात होगी किसी नए मेहमान के साथ। तब तक अपने मेज़बान अरशद रफ़ीक यानी कि आर जोशी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ज़िंदगी ने वफा की, आपने याद रखा तो दोबारा आपसे मुलाकात होगी। सो थैंक यू वेरी मच आसिम, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच टाइम निकालने का बस एफ 97 में, और इंशाल्लाह ज़िंदगी दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ और शब्बा खैर। अल्लाह हाफ़िज़।